आगे बता सकते हैं। अरसलान कह रहे हैं क्यूट। अच्छा, अब मैं जो है ट्रांसमिशन उमेर और फैज़ान की तरफ करूँगा, और उमेर बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे इनके बिजनेस हैं जो दोनों मिलकर ही काम करते हैं, काफ़ी सारे इनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, ये फिल्म वगैरह प्रोड्यूस करने लगे हैं, हम लोग मिलकर ही कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे देखना ही है। अच्छा, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, देख तेरे पास सही आ रही है, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको बताएंगे, आज बहुत सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे देखना ही है। अच्छा, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही आ रही है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़े लोग जब आ जाए तो फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा। बिल्कुल सही आ रही है। उस्मान फजल देख रहे हैं, उस्मान फजल कैसा है मेरा भाई? ठीक ठाक है उस्मान फजल। इस्लामाबाद जा रहे हैं हम लोग आपके शहर में, आप हैं नहीं है वहाँ पे, ये मुझे बताएं। उस्मान मेरे ख्याल से लंदन में तो यहाँ पर है। हमजा कह रहे हैं साफ़ नहीं आ रहा। अच्छा, ऑडियो क्लियर और वीडियो क्लियर हो तो बताएं, ताकि फिर हम जो असल बात है इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं उसके ऊपर बात करें, फिर क्योंकि सब तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर आगे बात कर सकते हैं। जितने लोग इसे शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाएगा, काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा होगा। उसके बाद में उस्मान लंदन मुझे बताना, हम कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं किस तरह से एड्स और बाकी चीज़ें चल सकती हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर है, उमेर और फैज़ान जो है आपके लिए लाए हैं। खबर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोग देख रहे हो जब आए। वसीम आबद आबाद ने शेयर किया है। उस्मान फजल कह रहे हैं या ब्रो लंदन सब लंदन क्लियर। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी देर में मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे बताना ऐड कौन सा चल रहा है, क्योंकि ये टेस्ट कर रहे हैं। उस्मान भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरे इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से, क्योंकि लाइव बहुत कम लोग आते हैं, और लाइव की जो जितने व्यूअर्स या लाइव पे जिस तरह की इंट्रैक्शन होती है उसकी बेस पे फेसबुक ने 50-60 लोगों का सिलेक्शन किया। उसमें इंडियन कोई नहीं है, अरबी कोई नहीं है, पाकिस्तान से जो है वकार ज़का है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा भाई, आपकी सपोर्ट का नतीजा है। तो ये टेस्टिंग जो है ये इस तरह है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं फेसबुक से, उसके लिए लाइव आना ज़रूरी है। अच्छा देखें, ये चीज़ क्या है, ये पूरे पाकिस्तान की जॉब लग रही है, पूरे पाकिस्तान वाले जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए किस तरह से, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि जैसे उमेर भी काफ़ी सारे सवाल मुझसे पूछ रहा था, पहला स्टेप ये है कि आपके पास लाइव जो है आप आ सकते हो। ठीक है, लाइव आने के लिए ज़रूरी यह है कि आप जब भी अपने प्रोफाइल पे बैठे हैं या फ़ैन पेज में, जहाँ पर आपके फॉलोअर्स जो हैं मिनिमम 2000 होने चाहिए। कितने? वही दोस्ती ने शेयर की है, शौकत ने शेयर की है, नदीम अकबर ने शेयर की ना, सलाम नदीम फ्रॉम ह्यूस्टन, थैंक यू सो मच। जितना आप ये कुछ शेयर करेंगे सबका फ़ायदा होगा। नबील देख रहे हैं, नबील चाय वाला क्या नाम था इनके चाय के, उस पर मैं गया था, बड़े अच्छे, इनसे भी दोस्ती अब तो हो गई है। इसी तरह जुल्फ़िकार अली की हेलो कह रहे हैं, अहमद मेमन कह रहे हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाए। उमेर मिर्ज़ा झूठ, आई गूगल, क्या गूगल किया बता, क्या गूगल किया? अरे झूठ ऐसे बोल रहे हैं जैसे फेसबुक इनके चचे का या मामे का, क्या क्या हमने क्या ऐसी बात बोली है, पहले बताओ झूठ क्या बोला है वो बताओ। काजिम ने शेयर किया है, असद मदर देख रहे हैं, असद मदर थैंक यू सो मच। असद मदर ने लोगो बड़े अच्छे बनाए थे वकार ज़का फाउंडेशन के। आसिम जमील कह रहे हैं जी भाई। सलमान कह रहे हैं मेरे अब्बू, आपके अब्बू का नाम है ये है? अच्छा ठीक है। अच्छा नीचे जो है फरवा अबूदा कह रही हैं कि क्या सलाम, मैंने भी शेयर किया है, थैंक यू। अच्छा बस मैं नबील पापा चाय भाई, पापा चाय, पापा चाय, पापा चाय वाले हैं गुलबर्ग में, बड़े अच्छे दोनों भाई हैं जिनसे हमारी दोस्ती वगैरह बड़ी अच्छी हो गई है। मैं चाह रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उनका नाम मैं लेकर जाऊँगा, ताकि ज़्यादा लोग आ जाएँ तो फिर मैं शेयर करता हूँ। अब देखिए, अब मैं ऐड प्ले करूँगा। ऐड प्ले करने का मतलब ये है कि आपने बताना है आपके एरिया में कौन सा ऐड चल रहा है, आपके शहर में कौन सा ऐड चल रहा है। तू अपने पास खोल, चल रहा है तेरे पास? तो हम और मैं ऐड नहीं देख सकता, असल में एक टेस्टिंग है ये। और मैं हैरान जाऊँ कि पता नहीं एक अलग सी न्यूज़ मेरे बारे में चला दी है, पता नहीं मैंने कहाँ पे पैसे दिए दुबई में। लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे, ये नहीं सोच रहे कि असल बात क्या है, असल चीज़ क्या है। भाई देखे, असल चीज़ ये फैलाने के वकार ज़का पहली दफ़ा यहाँ। अच्छा अब हम देख रहे हैं भाई ऐड कौन सा चल रहा है। देखिए ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्लिक किया, आपके आपने देख कर बताना है, आपने देख कर बताना है कि आपके उस्मान फजल या कोई भी देख रहा है ना, ये टेस्टिंग है जो फेसबुक ने दी है और हम लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं। अभी कोशिश मेरी है पाकिस्तान में सबसे पहले मोनेटाइजेशन खुल जाए। मैं दिखाता हूँ कौन से एरिए में आप रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं और ऐड कौन सा देखा, उसका स्क्रीन शॉट ले लेना आपको, ठीक है? अच्छा तेरी ब्रॉडकास्ट रुक गई है। अच्छा अच्छा, यानी तेरे पास कोई ऐड नहीं आया, ऐड नहीं आया। अच्छा किस किसने कौन कौन सा ऐड देखा भाई?
उजैर देख रहे हैं, उजैर देख रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ चलने दो, नहीं तेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल से देख रहे हैं ना। नहीं नहीं ऐड आया 10 सेकंड का, तेरे पास क्यों नहीं आया? पोर्टल बैन ऐड चला। अच्छा ये मैं दोबारा ऐड चलाता हूँ थोड़ी देर में, तो बताएं आपके पास मैंने चला ना। कौन सा ऐड चला है? ये जायद मुनीर बोल रहा हूँ। सलाम जी, ठीक ठाक सर। दोबारा ऐड चलाता हूँ थोड़ी देर में, तो बताएं। ट्रेडमिल हाँ ले लो, ट्रेडमिल लेडर है दुबई में, कराची में ऐड चलने का, कराची में ऐड चल रहे हैं मेरे पास। वीडियो नहीं तस्वीर ले लें यार, मैं वो लाइव हो भी ना, वो काम काम करूँ थोड़ा सा। ले लें आप, तब पिक्चर ले लो, कोई मस्त ना असल में उसके वहाँ टेस्टिंग खराब हो जाएगी सर। अपने अपने पास रख लेना, तू कमेंट पढ़ लेगा, बंद कर देना। पॉपकॉर्न का है, बॉय पॉपकॉर्न का है, दुबई में ऐड है, स्नैक आई वॉचिंग, टिकटॉक का छोटा वाला, उससे दुबई में ऐड ना उमर। अच्छा भाई, आप जो है हमारे ये दोनों भाई जो हैं, जो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, उमर और फैजान। उमर बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी इस्लामाबाद में, हमारा क्या मिशन है ये आपको बताएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जो भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले हम ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं इसका मकसद क्या है कि मेरी कोशिश ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले खुल जाए। तो मैं आपको जो है यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ अब उमर और ये दोनों ज़रा पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आम बंदा अगर आता है लाइव तो उसको कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह नहीं किया। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये किस तरह कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और यही गलती अगर कर रहे होंगे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लाइव में। अच्छा, उजैर ने कहा है 100 एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट क्रेडिट ट्रांसफ़र, हाँ हमारे पास कराची में नहीं चला, तो यही टेस्टिंग के लिए हो रही है। और यही भाई इतनी बड़ी एग्जाम्पल इसकी कि भाई अगर टेस्टिंग नहीं होती तो मेरे व्यूअर्स कम भी हों तो मैं ऐड कैसे प्ले कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपने फेसबुक के स्टेटस पे तो एटलीस्ट डालना चाहिए, चाहे कोई भी है। मेरे तो अपने दोस्त ये नहीं डाल रहे कि वकार ज़ाका ओनली पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में 50-60 पब्लिशर्स में से एक है, और प्लस उसके अलावा वो 50-60 अभी ऑन ईयर नहीं गए, तो सबसे पहले अगर किसी ने मोनेटाइजेशन टेस्ट किया तो वकार ज़ाका है, और वो पूरे सब लोगों को समझा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है हमेशा सबको समझा भी दें। चले भाई, अब देखते हैं ये लोग कमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। चलो भाई, तुम दोनों होस्ट हो, पीछे करो ना बेटा मुँह से, अब पढ़ो, करीब भी कर लो। पढ़ रहा क्यों है वकार भाई? कैसे हैं आप वकार भाई? कैसे हैं आप? क्या मतलब सही तरह पढ़ो, क्या नाम है? चल रहा है सिकंदर कह रहे हैं। मेरा इस पूरे का मकसद क्या है कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इन दोनों के हाथ में दे रहा हूँ, लाइव में बात करना कितना आसान कितना मुश्किल है। और जितने लोग जिनकी रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो करोड़ों व्यूज भी होंगे, तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी जब तक लाइव में आप सही तरह बात करके सही कंटेंट नहीं डालेंगे। सही है। चले अहमद मेमन, कौन कौन से ऐड चल रहे हैं कराची में? ICAD जफर कह रहे हैं, देख रहे हैं ये भी, और मोहम्मद अरशद। कमेंट पढ़ना, थोड़ी देर में बताता हूँ कि किस तरह से आप और ज्यादा कमा सकते हैं, आपके सवाल के जवाब भी देता हूँ। तो हाँ, बर्गर का ऐड आ रहा है। आप देखो, अब जब लाइव आते हैं तो इंटरेक्शन बड़ी जरूरी है। अब जैसे आपने कमेंट्स पढ़े ना, तो आपने ऐसे पढ़ने, जैसे सलमान है, सलमान कह रहे हैं मेरे अब्बू जो है ये करते हैं, ठीक है। नबील सदीक कह रहे हैं शहर का नाम क्या है? उमर। मोहम्मद मेहताब कह रहे हैं कीप इट अप ब्रो। सलमान कह रहे हैं मेरी अम्मी, अल्लाह क्या क्या बोल रहे हो भाई। नौमान खान कह रहे हैं गूगल पे ओपन नहीं हुई ये न्यूज़, फेसबुक की ट्रांसफर, लेकिन ये बात ओपन कर रहे हैं। अरे भाई, गूगल पे जाके लिखो अर्निंग फ्रॉम फेसबुक एड्स, तो उसमें उस हाउ टू अर्न उसमें लिखा हुआ है कि 50-60 पब्लिशर्स को दुनिया भर से सेलेक्ट किया है, वो टेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, थोड़े दिन में दुनिया वालों के लिए खुल जाएगी। ये इतनी सी बात तो मैं, जलन कितनी है, मानेंगे नहीं बात है। अब ये मेरी कुरानदाजी में तो नहीं निकला होगा नाम, नहीं चल रहा। और ये एड्स भी टेस्ट हो रहे हैं, कुछ जगह चल रहे हैं कुछ जगह नहीं चल रहे। सही मातिफ कह रहे हैं कि अम्मी मेरी बाजार जा रही, तो हमें क्यों बता रहे हो? अनस शेख बोल रहे हैं मामू तो नहीं बना रहे हो ब्रो। भाई गूगल करो अर्न फ्रॉम फेसबुक, ये क्यों नहीं कर रहे गूगल? चल रही है स्क्रीन स्क्रो, अभी एक मिनट गूगल पे लिख जरा, अभी यहाँ से लोगों को दिखाते हैं। मतलब सबको ये मानने में तकलीफ हो रही है ना कि वकार ज़ाका को ये चीज़ कैसी मिल गई, हालत टाइट हो जाती है, जल जल के कुड़ कुड़ के मर जाते हो। नौमान खान यूट्यूब में लिखो, ये ले भाई। अब उमर भाई ऐड चलाएंगे, उमर भाई लिखे क्या है? यू कैन टेक एन ऐड ब्रेक। अभी डॉलर पे क्लिक करें आप अपने मुकद्दस हाथों से, अभी नहीं, अभी वो पूछेगा।
नहीं अभी वेट कर रहा है सर हम लोगों को, अब आपने फिर बताना जी तो खोल पहले देखें हमारे पास चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास देखें देख रहे हैं तो मैं खुद नहीं देख सकता क्योंकि टेस्टिंग फेज है ना। चलो बंद और अच्छा चलो अब सर किसी के पास नहीं चल रहा है, हाँ टेस्टिंग है ना क्योंकि ऑडियो बंद कर दो इसके सर, बंद ही कर सर बंद ही कर दो। अच्छा किसके पास क्या क्या चला अब तुम लोग देख के बताओगे, अब देखो लाइव में और रिकॉर्डेड में ये फर्क है। चल फैजान जरा तू पढ़ के बता सबके कमेंट देखें कितना कॉन्फिडेंस है बेटा, खुद के भर्रे नहीं बनाने पढ़ना है उसके। थैंक यू दानी थैंक यू भाई, अब ऐड भी भाई नाम पढ़ो और फिर कमेंट पढ़ो, ये गलती करते हैं अबू बकर उस्मान फजल के, अच्छा लड़की का नाम फौरन से ही समझ आ गया परवा अबू बकर उस्मान फजल के लिए 10 मिनट का ऐड आया है। किस चीज का, किस चीज का है भाई उस्मान भाई, किस चीज का कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल यू का ऐड है। उजैर क्या बोल रहा है, बिग बैन एडवर्टाइजमेंट फॉर बर्गर डील्स, ठीक है थैंक यू सर। ऑफिस डिपार्ट मेरा कह रही है उजैर शेर मारो हर जगह बताओ कि तुम्हारा भाई क्या बन गया, पहले 10 सेकंड का आया था बस। अबे क्या पढ़ रहे हो, सना का है ट्रांसफर क्रेडिट ऐड है, जमाल कह रहे हैं बताया नहीं मतलब अभी भी सबके पास। अच्छा इन दोनों में से मालदार पार्टी कौन लग रहा है ये बताएं फिर मैं बताता हूँ कौन है। चलो अच्छा भाई अब अपना अपना जरा तारुफ करें, फैजान क्या करते हैं कुछ करते हैं जिंदगी में? जी मेरा गोल्ड का बिजनेस है। गोल्ड जी, कौन सा गोल्ड? गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बिस्किट होते हैं ना बिस्किट जी। नहीं नहीं हाँ बताओ ना गोल्ड क्या होता है, किस तरह आपका बिजनेस चलता है बताएं? गोल्ड का बिजनेस इस तरीके से चलता है मेरा, बेसिकली होलसेल का काम है। अभी उनको बता लोगों को, मैं तो देखने लाइव में हाथ क्यों कांप रहे तेरे, क्या करते हो तुम? आतिफ कह रहे हैं कॉलिंग रेट का डर है, कराची में नहीं आया अभी, कराची में नहीं आया कमाया है। बर्गर का ऐड है मोहम्मद अनवर के, बर्गर का ऐड है हम फ्रॉम कराची बटन यूएसए। करो करो लाइव में देखूंगा तुम लोग। अच्छा ठीक है, आज सारे लोग कह रहे थे भाई हमारे पास ना व्यूअर्स इस तरह स्टे नहीं करते, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई लाइव में अच्छी तरह बोलोगे तो कुछ होगा। अब देखो जैसे मेरे व्यूअर अभी कम हो गए, अगर आप अभी गूगल करेंगे तो वहाँ आएगा कि आपको अगर गोल्ड का बिजनेस किसी ने शुरू करना हो कैसे कर सकता है, उसके पास कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? थोड़ा पीछे रखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए, कम से कम, बिल्कुल कम से कम है, टाइम ज़्यादा नहीं करो भाई। ओके भाई ऐड आ गया, चेक कर लिया गूगल पर भी, चले शुक्र। तो बोलो बेटा पोस्ट करो कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया, हम तो शुमार मार के वो ग्लासेस वाला क्यूट भी है मासूम भी है, थैंक यू फरवा। दांत देखा सबको, ये क्यों क्या खाता है तू? येलो रेड आया है अभी डेनमार्क। ओके अली दानियाल जी उमर, खैर हमेशा खुश रहे आप, कभी भी कोई काम हो हाजिर आपके लिए, थैंक यू सो मच जमाल, थैंक यू। आपसे 70 लाख काफी, हमारा 60 से 70 लाख भी बस 100 है, काफी नहीं है, नहीं करोड़ पे लेके जाएगा सोना कहां से फिर, अब आज पहली दफा निकला है, आज पहली बार निकले, आप दुबई जाएं ऐसे ही दे दो, सबसे पहले दुबई जाएं दे भाई। बताना उनको समझ, इन्होंने सवाल किया तो अच्छा ये देख लाइव में आप लोग एक और भी गड़बड़ करते हैं, जब आते हैं तो कमेंट पढ़ के आप खुद ही हंस रहे हैं। अरे यार अबे भाई पढ़ के बता सबको ना, है पढ़ के बता, चल अच्छा जी चलो। अच्छा फैजान मेरे पास जैसे 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं गोल्ड का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? तुम सोचो, तुम होस्ट हो, तुम्हारी लाइव ट्रांसमिशन है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? पहले तो आपको नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मेरे से लें, आपको मार्केट निकलना पड़ेगा और चाकीवाड़ा जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? मेन इसकी सराफा बाजार है, ठीक है, खरादर के अंदर, सेकेंडरी सदर भी जाता है, सदर में भी, सदर के अंदर तकरीबन 2 से 3 काफी बड़ी पार्टीज बैठी हुई है जो ये काम करती है, जो ये काम करती है। उमर खान भाई सिकंदर, ये उमर खान को मैं बाद में जवाब दूंगा, उमर खान को बाद में जवाब दूंगा, बाकी सिकंदर 40 लाख से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कम से कम 1 करोड़ जाना, ये पूछ रहे जाना उमर खान पूछ रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड को आप 21 कैरेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो ये कोई मतलब बताऊंगा मैं आपको, हाँ बताना कैलकुलेटर में काम है, अभी नहीं बताया, बताए ना कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं, बता बताया सोने का काम है, रात को सोते सिर्फ
وہ بس اصل میں لائیو ہوں نا اس لیے بات نہیں کر سکتا, ورنہ ضرور کرتا. نہیں نہیں ہاں بھائی بتاؤ بھائی, کوئی بھی کزن ہے جو بھی بتاؤ بھائی. سوال ہے جینون, سوال ہے نا جینون بھائی. اچھا یہاں گوگل پہ ذرا لکھو. اچھا ہاں لیا بھائی, کھول لیا کیلکولیٹر کرو. کھولا تھا نا منٹ, یہ گوگل پہ کیا بول رہے تھے, گوگل پہ کھولو. نہیں نہیں وہ اپنا کھول, ابے سونے کا کام کرتے بھی نہیں کرتے. یہ لے کے میں نے عمر بھائی بتائیں گے, بتائیں عمر بھائی کیا بتانا ہے. اکیس بھائی بتا دو نا فیضان بھائی, اکیس کیرٹ کو, چوبیس کیرٹ کو اکیس کیرٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے. ابھی عمر بھائی کے پاس ایکچولی میرا لگا ہوا آرڈر ٹھیک ٹھاک قسم کا, تو عمر بھائی پہلے آپ میرا آرڈر میرے کو پورا کر کے دیں, میں آپ کو آپ کی ساری کیلکولیشن میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا اپنے لوگ کے پاس ٹائم ہے, جمعرات تک آپ نے میرا آرڈر نہیں کیا پورا, تو پھر آئندہ آپ سے کوئی آرڈر کی امید مت رکھنا مجھ سے. میں آپ کو بتا آئندہ اس سے کوئی آرڈر کی, مجھ سے کوئی آرڈر کی امید نہیں رکھنا آرڈر کی. اچھا اچھا میں نے کہا کیسی, تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بتا دیں کون ہے سیرش فاطمہ, بتا دیں آپ بتا. اچھا کمنٹ پڑھتے ہوئے تو نیچے یوں کیوں چلا جاتا ہے, نیچے جا رہا تھا کمنٹ, نیچے جا رہا تھا. آپ کو سلام, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اوکے معروف شکیل, وعلیکم السلام. گول بتانا بھی ہوا نہیں, گول بناتے ہم نہیں, گول تو نکلتا ہے یار قدرتی, نکلتے صرافہ بازار چلے جائیں, صرافہ سے جا کے آپ لے لیں پیس, گولڈ کے پیس, گولڈ کے پیس کا آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام کریں. آپ کو اپنی صرافہ بازار میں کوئی ہے ایسا کوئی تمہارا, صرافہ بازار میں صرافہ بازار میں بلین بنی ہوئی ہے. ہاں اب تمہیں آئے نا, ابھی تم نہیں بتا دیتے تو میں بتا دیتا. آپ بلین میں جائیں, بلین میں جا کے آپ نے پیس خرید دیا. پیس دیکھو بھائی, ان لوگوں کو اس طرح بتاؤ کہ یہ جو ویڈیوز ہے نا اس کا مقصد یہ کہ لوگ سیکھیں کچھ. تو اب گولڈ 1 کروڑ پہ ہے, اب صرافہ بازار میں کس کے پاس جائیں, ایک بچے کو نہیں بتا. آفس بنی ہوئی بلین کی, بلین کی بلین میں جگہ جگہ پہ, جگہ جگہ پہ آفیسز بنی ہوئی ہیں. جو آپ کا اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں جس کا آپ کو ٹرسٹ ہو. ہاں بالکل, گولڈ کے پیس لے کے پھر وہ آپ کے اوپر کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی جولری کا کام کرنا ہے آپ جولری کا کام کریں, اگر آپ کو کارخانہ لگانا ہے تو آپ کارخانہ لگا لیں. کارخانے کے اندر مطلب جو کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آرڈر کیسے ہو پرانا چلو بھائی, آپ ایڈ دیکھ کے بتانا کون سا چل رہا ہے, اور ذرا سی بھی اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو سارے بولیں گے کہ ہاں بھائی اس کو سب سے پہلے ٹیسٹنگ دی ہے. پتہ نہیں تو جتانا کیوں پڑتا ہے, اگر یہی کوئی برائی والی چیز ہوتی, پارٹی والی ہوتی تو جتانے نہیں پڑتا, وائرل ہو چکی ہوتی اب تک. چلو بھائی کیا کرنا پڑتا ہے ایڈ چلانے کے لیے بتاؤ. ایڈ چلانے کے لیے ڈالر سائن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے, کرو پھر کیا ہوتا ہے, کلک کریں گے پھر یہ ہم سے کیا لکھاتا ہے اسٹارٹ ایڈ. تو جب میرے خیال سے جب ہم اسٹارٹ ایڈ کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے پاس 10-15 سیکنڈ کے لیے ویڈیو رک جاتی ہے, جن کے پاس ایڈ نہیں چل رہا, جن کے پاس ایڈ نہیں چل رہا ان کے پاس, باقی سب کے پاس ایڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لائک دیکھیں میں ایڈ اسٹارٹ کروں گا تو میرے پاس نہیں چل رہا کراچی میں, نہیں چل رہا. تو دیکھ اپنے پاس, تو بھی کھول, نہیں چل رہا کراچی میں. کراچی میں کچھ لوگ, تو دونوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا. ہاں دونوں, میں نے اسمال سے بھی دیکھ لیا, اس سے بھی دیکھ لیا. چل دیکھ اب, اب دیکھ, اب دیکھ. ٹھیک ہے, لائک جیسے یہ کیا اسٹارٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایڈ نہیں آئے. کراچی میں ہمارے پاس ایڈ نہیں چل رہا تھا, کراچی اور اس کے مضافات میں ایڈ نہیں چل رہا, وقت نہیں ہوا, وقت نہیں ہوا. کہاں کہاں چل رہا ہے یہ بتائیں. فیضان حمزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایڈ چل رہا ہے, شہزی عتیق بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں کون سا ایڈ چل رہا ہے. شہزی کون سا ایڈ چل رہا ہے آپ کے پاس مجھے بتائیں پلیز, کراچی میں چل رہا ہے ایڈ آپ کون سا. عمیر تم یہاں کیسے, باس دوست ہے میرا عثمان, سوری عثمان یہ میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں میرے وقار. فرینڈی کا ایڈ, فرینڈی کا ویڈیو ایک میں بھی ایڈ چل رہا ہے, وہ بتا رہا ہوں ایڈ چل رہا تھا. ایڈ تو نہیں ہوتا, پاکستان میں کیا ٹائم, اس وقت پاکستان میں کرنٹ ٹائم ہو رہا ہے, صبح کا مارننگ ہے 7 بجے صبح کے. ٹھیک ہے, شیخ زمان کراچی میں چل رہا ہے, کون سا ایڈ چل رہا ہے شیخ زمان, بتائیں گے ہمیں. فرینڈی بولو نا یار, شیخ محمد انور کہہ رہے ہیں شیخ چل رہا ہے ایڈ کراچی میں, فریڈی کا محمد انور کہہ رہے ہیں چل رہا ہے ایڈ کراچی میں, چل رہا ہے ملیشیا میں. ٹھیک ہے, فیصل دانی کہہ رہے ہیں مان لو, اچھا ٹھیک ہے مان لیا بھائی,
हैदराबाद में भी चल रहे हम तो ठीक है स्क्रीन शॉट लो ना स्क्रीन शॉट लेके सेंड कर सकते हैं आप लोग हमें कि कौन कौन सा एड कहाँ का चल रहा है क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं हमें फेसबुक को जो है ये इस तरह की चीज बतानी होती है कि कहाँ कहाँ अब देखो कराची में हमारे पास नहीं चल रहा हमारे पास नहीं चल रहा तो अब और ये भाई देखें ये मेरे अबू जान का नहीं है फेसबुक मैं भी टेस्ट ही कर रहा हूँ हो सकता है कल को मुझे भी पैसे ना मिले जो यहाँ पर ये कर रहे हैं तो हो सकता है ना मोहम्मद उजैर भाई देख रहे हैं कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं भाभी कैसी हैं ठीक ठाक हैं तो ये चीज कोई भी नहीं समझ पा रहा ना कोई समझना चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान में ये फैसिलिटी वकार जका को कुरानदाजी में नहीं दी होगी कमेटी डाली कुरान वकार का नाम और फिर तो 300 अभी 300 से तो कम है व्यूअर्स तो फिर मैं ऐड कैसे चला सकता हूँ अभी ऐड चलाया मैंने तो यार ये टेस्टिंग के लिए उन्होंने उसे दिया जो लाइव अच्छी ट्रांसमिशन करते हैं उनको दिया अगर आप लाइव नहीं करते तो आज से लाइव आना शुरू हो जाए क्योंकि पैसे ठीक ठाक बनते हैं इसमें पैसे आए नहीं अभी लेकिन इस टेस्टिंग की वजह से आते जरूर है तो ये पूरे पाकिस्तान की जॉब लग सकती है यूनुस कह रहे हैं कोई ऐड नहीं है चला उजैर भाई आप देखना अगर अभी ऐड चलाऊंगा तो आपके पास ऐड कौन सा चल रहा है और ये टीवी की तरह ये फेसबुक ने एक एप्लीकेशन अब ऐसी भी निकाल दी है कि अब आप वो डाउनलोड करें अभी आ जाएगी थोड़े दिन में जिसमें फेसबुक को आप टीवी पे देख सकते हैं यूट्यूब की तरह तो इसका मतलब ये जितनी वीडियो जैसे अभी चल रही होगी ना ये लाइव आप टीवी पे देख लेंगे तो जितने एड्स वाले हैं उनको भी यहाँ आना पड़ेगा उसी तरह इन्होंने टीवी की तरह कर दिया तो अगर लाइव आप थोड़ा सा भी करते हैं तो आप थोड़ा मतलब करना शुरू कर दें ये नहीं सोचें एक फॉलोअर है अहमद जहाँजे भाई देख रहे हैं अहमद भाई कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं मुझे बताइएगा ऐड कौन सा चला आपके पास क्योंकि ये फेसबुक ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शुरू की है और अहमद भाई देखें पाकिस्तान में कोई शेयर नहीं कर रहा क्या कह रहे हैं मोहम्मद शहजी अतीक आप यहीं पे पोस्ट करें जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना वो यहाँ पोस्ट करें यहाँ आएगा इसमें नहीं आएगा स्क्रीनशॉट नहीं आएगा यहाँ पे तो मेरी आईडी पोस्ट कर दें उमर की आईडी पे कर देना पोस्ट कर दें उमर बटाविया उमर हाँ इस पे कर दे अपनी आईडी दिखा जरा उस पे शेयर कर दें अहमद भाई लेकिन देखें कैसी बात है हर बात जो है वो वायरल हो जाती है गंदी से गंदी लेकिन अब इतनी बड़ी बात है कि फेसबुक ने कहा कि वकार जका स्टैट्स देखे होंगे ना कि कौन लाइव आता है कौन लाइव आने के बाद जो है किस तरह इंगेज करता है अपने क्राउड को रिकॉर्डेड वीडियोस पे तो मतलब देखें ना फिर कोक स्टूडियो इनकी देख लें लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं भैया नो ऐड अच्छा अभी अभी देखिएगा अभी मैंने चलाया नहीं अभी चलाऊंगा और ये गूगल अगर आप करेंगे कि फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं लाइव ट्रांसमिशन से तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक ने कहा कि दुनिया भर से 50-60 लोग की सिलेक्शन हुई है उनमें से वकार जका भी एक है नाम नहीं है किसी का भी वहाँ भाई लेकिन ये अगर मैं चला रहा हूँ और कोई और नहीं चला पा रहा तो ये मेरे एकदम तो नाम ऐसे तो नहीं निकलाया होगा तो ये मैं पूरे पाकिस्तान की जॉब लगवाने के लिए लगा हुआ हूँ और ये कोई ऐसा नहीं है 10-15 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे थोड़े से भी व्यूअर्स होंगे तो ठीक ठाक 55% रेवेन्यू शेयर करने का वादा किया है फेसबुक ने मैं भी दिखाता हूँ मैंने कितने बनाए लेकिन मेरे पास आया कुछ भी नहीं अभी ये मैं पहले इसके लिए बैंक अकाउंट हो जाए पेपैल की जरूरत नहीं है तो सीखना चाहते हो तो भाई सीख लो नहीं सीखना चाहते तो बस ठीक है बैठे रहो क्या कह सकते हैं मैं चाहता हूँ सारे लोग ट्वीट करें स्टेटस डालें इस बारे में कि भाई फेसबुक की लाइव मोनेटाइजेशन वाली ट्रांसमिशन जो है सबसे पहले वकार जका ने टेस्ट की है और 50-60 लोगों की सिलेक्शन हुई है ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ बननी मतलब न्यूज़ वाले ये बना ही नहीं रहे न्यूज़ इससे पहले बर्मा सीरिया की न्यूज़ थी वो भी नहीं बनाई ये भी नहीं बनाई न्यूज़ वो बनाते हैं जिसमें सिर्फ मसाला हो जिसके अंदर बुराई हो जिसके अंदर पाकिस्तान की भी बुराई हो हर चीज़ की बुराई चल रही हो और जब तक मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की बात कर रहे होते हैं राबिया रजा कह रही है वेयर्स योर हैट फ्रॉम ये गुची है गुची एंड आई बॉट इट फ्रॉम सैन एंटोनियो तूबा मंसूर देख रही है तूबा देख रही है भाई तूबा तूबा इस टाइम जाग रही है क्या फजर की नमाज पढ़ के आई है अच्छा इसी तरह कमाल कह रहे हैं कर मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग की स्टेटस डालते हुए भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वरना अगर कोई बुराई होती तो आप लिख देते फौरन नहीं भाई अच्छा ही लिखोगे तो फेसबुक को भी लगेगा हाँ यार इनके मुल्क में ये लाइव मोनेटाइजेशन खोलनी चाहिए खैर एनीवेज आप लोग अपनी आईडी दिखाएं लो आपकी आईडी नहीं है एक तो आईडी नकली इतनी बनाई हुई है ना असली वाली नहीं आ रही उमर बाड़ी में खोलो आप इस पे स्क्रीनशॉट भेज दें भाई आप देखें नोट कर लिया आईडी आपने ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा इस आईडी पे आप जो भी मैसेजेस भेजेंगे वो मैं पढ़ता जाऊंगा क्योंकि यहाँ से नजर नहीं आ रहे तो उमर को आप फॉलो कर लें उमर के इनबॉक्स करें मैं अदर मैसेजेस से आपके पढ़ने लग जाऊंगा मैसेजेस यहाँ पे ठीक है क्योंकि मेरे पास ना ये छोटे छोटे मैसेजेस आ रहे हैं पढ़े नहीं जाएंगे बिल्कुल भी जो बात है ना बहुत छोटे नजर आ रहे हैं तो पढ़ने में बड़ा बड़ा मसला हो रहा है आइए शहजी अतीक ने स्क्रीनशॉट सेंड किया है हमें शहजी ने सेंड किया दिखाएं शहजी के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं ये शहजी का शहजी भाई ने भेजा है थैंक यू शहजी थैंक यू ये है पहला एक थ्री ठीक है किसी का ऐड चला है ठीक है फिर ये एक और ऐड चला हुआ है हमारे पास
और जैसे ही मैंने उमेर की आईडी पार्टी वाले की शेयर की, लोन डोने से ऐड करना शुरू कर दिया। ये बर्गर का ऐड चल रहा था पूरा प्रॉपर, एक बर्गर का ऐड चल रहा है, SBC समथिंग कोई कंपनी है। बिल्कुल ठीक है, चले भाई हम अच्छा देखें, फिर वही बात कह रहा हूँ, फेसबुक पे अगर आप टेस्ट करेंगे तो उन्होंने रूल रखा है कि 300 व्यूअर्स होने चाहिए फिर आप ऐड चला सकते हैं। मेरे कितने उस्मान ने हमें भेजा, उस्मान ताज हुसैन ने, ये चला है देखें इसमें। यार शहर भी तो भेजे आपके शहर में, कराची से उस्मान, कराची गुलशन। ओके 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 ओके, लिखा था सॉरी। हाँ मेरे दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त हैं। तो बस इसी तरह आप लोग जो है स्क्रीन शॉट लेके भेजे तो हम आपको यहाँ से ऐड चलाने के लिए। हमजा शोएब के इंडियन कराची। अब तुम अपने दोनों मोबाइल से जरा खोलो, दोनों मोबाइल खोलो। नहीं यार ना अपने मोबाइल में, अबे खोल तो सही, दोनों से देख लेना, दोनों आईडीज खोल के देखते हैं, हो सकता है एक आईडी पे आ रहा हो, एक मेरे ख्याल से रीजन से नहीं, या तो फिर ये आईडीज का भी चक्कर है। तो मेरी आईडी चल रही है ना इसमें। अच्छा तेरी दोनों पे, तेरी अपनी आईडी नहीं है उसमें, और नेट चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सोने का काम है, नेट बंद, कार्ड नहीं डाला। ओहो वाह वाह वाह, चल खोल, चले भी ऐड चला रहा हूँ फिर मैं, आप बताइएगा कौन सा है। खुदा के वास्ते पॉजिटिवली इस चीज़ को शेयर करेंगे तो अच्छी बात है ना। अभी किसी इंडियन का होता ना पूरा इंडिया से सर पे उठा लेता, उसके बारे में वायरल कर देता कि भाई इसने इसको फेसबुक ने पिक ही क्यों किया। पहली बात तो ये ऐड चला कैसे रहा है, ये इतनी सी बात आप लोगों को फैलाते हुए पता नहीं क्या हो रहा है। सात दस हो रहे जी। अच्छा ये किसने भेजा दिखाए, ठीक है ये जिया ने भेजा है हमें, कमाल भट्ट ने रिक्वेस्ट भेजी, कमाल भट्ट ने रिक्वेस्ट भेजी आपको। इसी तरह जो है आप उमेर की आईडी पे भेजें ताकि वहाँ से हम मैसेज पढ़ सकें। प्रोसीजर इसका क्या मानूर वो मैं बिल्कुल 3-4 दफ़ा पहले भी समझा चुका हूँ। अब जो जो शेयर करेगा, जो जो कवर पेज अभी चेंज करेगा उसकी मैं आईडी दिखाता जाऊँगा। ये एक हो रहा है, अच्छा नहीं पहले तो अपनी आईडी, मेरी आईडी पे जा। अब मैं आप सबकी आईडीज, अगर आपको मशहूर होना है ना, अभी आप चाहते हैं लोग आपको भी फॉलो करें, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। आपने एक कवर पेज है मेरे पे जा, स्क्रॉल कर ऊपर, वकार जगह पे, वकार जगह पेज पे, आईडी पे वकार जगह पेज, वकार जगह के पेज पे जाएं। यहाँ से अपलोड कर देते हैं ना, ना ना थोड़ा ऊपर जा, और ऊपर जा, और ऊपर जा, रुक जा। ओ महा खान के पेज पे जा, महा खान। अच्छा अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 100 पेजेस हैं वकार जका के नाम पे, facebook.com/वकार जका वेरीफाइड एक महा खान जी पेजेस को भी रिक्वेस्ट। अच्छा ये देखें, आए जी मैं आपको दिखाता हूँ मैं सबकी आईडीज क्यों शेयर करूँगा। जिसके पास भी जो भी ये वाला कवर होगा, एक मिनट रुक जा, हाँ लेकिन ये कवर पे देखें, ये कवर या तो आप अपना बना लें या ये अभी उठा के जो जो शेयर करेगा। अबे रिफ्लेक्शन बता रही है ये, ओके 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 अब नहीं आ रही। ये जो भी लेकर अभी अपना कवर पेज बनाएगा उसकी आईडी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, 200 लोग देख रहे हैं, 200 लोग वहाँ की आईडी से शेयर कर सकते हैं ये, या उमेर अपनी आईडी पे जरा कॉपी करके अपना वो बना कवर पेज, तो मैं उमेर की आईडी बताता हूँ आप वहाँ पे जो है ये शेयर कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट वकार जगह पे जा, आपके पेज पे भी डला हुआ है ना ये, हाँ वही देख रहा हूँ, मेरे पास गलत वाला क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक ने मुझे सबसे पहले दिया, मैं कह रहा हूँ 50 लोगों को दिया, लेकिन सबसे पहले लाइव कौन गया है। कार सका पेज नहीं खुल रहा, चलें आप कमेंट पढ़ें थोड़ी। भाई आपकी आईडी क्या है, उमेर बटाविया, ये नहीं बना सही नहीं, नुमान खान टाइम तो बहुत ओके, मुस्कान खान है फैजान कैसे हो, मुस्कान में बिल्कुल ठीक ठाक, वकार भाई कैसे हैं आप, नहीं खुल रहा, ठंडी का आया था अजहर, ओके उधर मोहम्मद मेरा पढ़ो जी भाई, उधर मोहम्मद आपका पढ़ लिया, फरवा अबू बकर समझ नहीं आ रही यार, क्या समझ नहीं आ रही फरवा, सरेश फार्मा गोल्ड के, क्या गोल्ड के भाई, प्रमोशन के लिए कैसे रब्ता करें खालिद, प्रमोशन के लिए आप ये उमेर बाटविया वाले करें, इनकी आईडी बताइए ना आपको, ये प्रमोशन के लिए भाई
دیکھیں پروموشن کے لیے آپ عمیر سے رابطہ کریں یا آپ کو ریٹس ہر چیز یہ ڈیل کریں گے, یہ دیکھتے ہیں اس چیزوں کو اور یہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آ جا وہ کھول اپنا پیج. میرا پیج میں اب آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کی آئی ڈیز کیسے شیئر کروں گا. پیج آئی ڈی نہیں, جہاں پر ابھی شیئر کیا نا آپ نے. ہماری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے. نہیں نہیں یہ نہیں, اس طرح کو دیکھیں. آپ نے اس آئی ڈی پہ بھیجنا ہے کہ آپ کے کون سے پیج کی کیوں پروموشن کرے, پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کور پیج جو بھی بنائے گا اس کی آئی ڈی میں اسی طرح ابھی دکھاؤں گا. اور کور پیج یہ ہے, یہ آپ نے ابھی جو جو شیئر کرے گا اس کا نام, اور یہ میں یہاں پر اس طرح کرتا جاؤں گا. جو بھی شیئر کرے اس طرح مجھے یہاں میسج کر دے, میں یہاں پر جو ہے آپ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. یہاں میسج کر دے یا میری آئی ڈی پہ میسج, عمیر پہ کرے, عمیر پہ کرے. ہم لائیو میں جا کے یہیں سے اس کی آئی ڈی, یہیں سے آپ کی آئی ڈی کو دکھائیں گے, یہیں سے آپ کی آئی ڈی مشہور بھی ہوتی جائے گی. آپ فین پیج پہ اپنے ڈال سکتے ہیں, اگر آپ کا کوئی فین پیج بنے وہاں ڈال دیں. وہاں جیسے یہ پوسٹ کریں گے تو میں آپ کی آئی ڈی شیئر کرتا جاؤں گا. تو آدھے گھنٹے بعد اب فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, تو جیسے جو جو شیئر کر لے گا دو گھنٹے بعد ہم لائیو آئیں گے. اور جس کی بھی آئی ڈی سے شیئر ہوگا آپ میسج عمیر کو کر دیں, یہاں سے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھائی آپ کی کون سی, یا آپ اس کور پیج کا کانٹینٹ لے کے خود بھی بنا سکتے ہیں اپنا کور پیج. دیکھتے ہیں اچھا کور پیج کون بناتا ہے اس سارے کانسیپٹ کو. ہم آپ کا کور پیج, ہم اپنا آپ کا کور پیج میں اپنے پیج پہ لگاؤں, آئی ڈی میں لگاؤں, وقار اپنے پیج پہ لگائے, یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ فیس بک نے سب سے پہلے 50 لوگوں کو دیا, اس میں سے سب سے پہلے لائیو وقار زک آیا. وی فیل پراؤڈ آف اٹ, ہمیں بہت خوشی کی بات ہے. یو گاٹ مائی رسپیکٹ, اچھی چیز پہ صحیح بات پہ رکھا ہے نا. اور دوسری چیز یہ کور پیج جو بھی اچھا بنائے گا, 3-4 گھنٹے بعد جب میں لائیو آؤں گا تو میں دکھاؤں گا بھی. لیکن وہ کور پیج آپ اپنے پیج پہ شیئر کریں یا اپنی آئی ڈی پہ رکھیں گے, پوسٹ کریں گے اور مجھے لنک بھیج دیں گے. اور عمیر کو 2 گھنٹے بعد آؤں گا تو میں آپ کے سب کے کور پیجز دکھاؤں گا, جتنے لوگوں نے بھی بنائے ہیں سارے, اس پہ کانٹینٹ کیسا لکھتے ہیں آپ, کون سی میری تصویر یوز کرتے ہیں. جو پروفائل پہ میری پکچر ہے نا ابھی, یہ اٹھائیں, فیس بک کا لوگو اٹھائیں, نیچے لکھیں کہ بھائی وقار زکا سب سے پہلا ہے پاکستانی نہیں دنیا میں جو اس طرح مونیٹائزیشن کر رہا ہے. جو بھی کور پیجز بنائے گا صحیح طرح اس کو جو ہے ہم دکھاتے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اب فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, اسلام آباد جا رہے ہیں. تو کور پیجز کے ساتھ بھیجتے ہیں, اور صرف مجھے نہیں بھیجنا, اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کر کے مجھے بھیجنا ہے. پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ کس کا کور پیج اچھا سمجھتے ہیں. فیس بک کا اس کا کانٹینٹ کیا ہے کہ بھائی وقار زکا سب سے پہلا ہے دنیا میں جو فیس بک پہ مونیٹائزیشن کر رہا ہے.